तो खम्मा घणी जय रामसा पीर की। दोस्तों अभी बाबा रामदेव रे काफ़ी लोग जा रहे हैं और जाके वापस आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी लोटन यात्रा जो कि एक बाबा के भक्त है वो कर रहे हैं और वो काफ़ी देर तक पैदल चल रहे हैं, लोटन यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों उनसे अपन बात करते हैं और कहाँ से क्या आ रहे हैं। तो आ जाइए भैया। जय बाबा री। जय बाबा री। भैया कहाँ आ रहा हूँ? माधुपुरा बुढ़ा पुष्कर। बुढ़ा पुष्कर से आ रहा हूँ। और कितने दिन हो गए? जय बाबा री। आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए आज। तो दोस्तों भगत जी का नाम क्या? चमन सिंह रावत। चमन सिंह रावत। दोस्तों चमन सिंह जी रावत ने 450 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय की थी और इनके साथ में 100 से भी ज्यादा यात्री थे। और डीजे पिकम और खाने की सुविधा, बच्चों की ठहरने की सुविधा सभी चमन सिंह जी रावत ने की थी। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में कहते हैं, जब बाबा हुक्म दे या सपने में आए तो बाबा जैसे कहते हैं वैसे ही करना पड़ता है। दोस्तों एक रहस्य भी है जो कि हमारे राजस्थान की सभी लोग उस रहस्य का पालन करते हैं। दोस्तों चमन सिंह जी रावत का बायोडाटा मैंने पता लगाया तो पता चला चमन सिंह जी रावत के पास धन दौलत संपत्ति माँ बाप किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और इनके पास आज सब कुछ है। और दोस्तों इनके पीछे ब्लैक स्कॉर्पियो चल रही है जो कि वो चमन सिंह जी रावत की है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि चमन सिंह जी रावत के सपने में बाबा रामदेव जी आए थे और घर पे आने के बाद चमन सिंह जी रावत ने घर से बाबा रामदेव खुंडियास जी वाले के जाने की बात की और दूसरे दिन ही लोटन यात्रा करने के लिए चमन सिंह जी रावत निकल गए। दोस्तों चमन सिंह जी रावत की फैमिली बायोडाटा की बात की जाए तो वो एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे, लेकिन दोस्तों जब से चमन सिंह जी रावत बाबा रामदेव रा पैदल जाना शुरू किया तब से चमन सिंह जी रावत की किस्मत ही बदल गई और आज इनके पास सब कुछ है। दोस्तों सब कुछ होने के नाते इनके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। चमन सिंह जी रावत सभी लोगों से प्रेम करते हैं और बाबा रामदेव जी को अपने हृदय में रखते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जी बाबारी जरूर लिखिए और आप भी बाबा रामदेव रा जाइए, आपके साथ भी रहस्य चमत्कार जरूर होगा। दोस्तों बाबा की भक्ति में ही शक्ति है और आप कहां से हो कमेंट में जरूर बताइए। भैया जी इनके साथ में जो कि सफाई कर रहे हैं, भैया जी आपका नाम? मोहन सिंह। मोहन सिंह आप भी रावत ही हो? रावत या कनस का हूं। कनस के ही हो। हाँ। इनके साथ में सब इसके सब साथ में। तो आप भी शुरू से वहां से इनके साथ में आए हो? साथ में आया हूं। तो दोस्तों ये वहाँ से शुरू से साथ में आया है और ये डीजे वाली गाड़ी है जो कि राज डीजे कानस पुष्कर की है और इनसे बात करते हैं अपन। भैया राम राम। राम राम साहब। राम राम। कहाँ से आ रहे हो भैया? भैया बड़ा पुष्कर से। गाड़ी आपकी है? जी भैया अपनी है। तो ये बिल्कुल फ्री सेवा है? भैया बिल्कुल फ्री सेवा है। फ्री सेवा है? फ्री सेवा। आपके मिलने वाले या फिर ऐसे? नहीं अपने पास के बस बाबा के जा रहे हैं। बाबा के जा रहे हैं। सेवा के अंदर लगाई है गाड़ी। सेवा के अंदर है? हाँ। तो काफी मतलब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा। तो आप भी गए थे बाबा रामदेव? बाबा रामदेव बिल्कुल गए थे। पैदल गए थे? हाँ डीजे लेकर गए थे पैदल यात्रा। ये वाले डीजे लेके गए थे? जी भैया बिल्कुल ही पैदल यात्रा। पैदल यात्रा। तो दोस्तों पैदल यात्रा ऐसे कुछ करके आए हैं भैया और बाकी अभी 3 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों ये वाले ब्लैक स्कॉर्पियो जो कि उन भैया की है और इनको चला रहे हैं जिनसे अपन बात करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक स्कॉर्पियो इन भैया की है। जय राम से फिर की भैया। आप ठीक है ना? आपका नाम भैया? राकेश सिंह रावत। आप इनके साथ में ही हो? जी भैया। भाई हो क्या हो? भाई भाई हो छोटा भाई। ये स्कॉर्पियन की है ना? हाँ स्कॉर्पियन की। चमन भैया की। तो ये यार मतलब बाबा रामदेव पैदल गए थे? बाबा का हुक्म आ गया था इसलिए पैदल जा रहे हैं दंडवत यात्रा। पैदल बाबा के जाके आए थे अभी 4 दिन पहले। ये अब दंडवत यात्रा खुंडियास बाबा के जा रहे हैं। हाँ खुंडियास तक यही यात्रा रहेगी इनकी। दंडवत यात्रा बोलते हैं इनको। अच्छा यही यात्रा रहेगी उनकी। सो दोस्तों ये उनके छोटे भाई है और ये ब्लैक स्कॉर्पियन के पीछे चल रही है। बाकी आप देख सकते हो जैसे भगत लोग आते हैं कुछ मतलब BPS पार करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो रात को मतलब नहीं अपनी व्यवस्था है कुछ व्यवस्था है। टेंट गद्दा कितने बजे से चलते हो भैया? 12 बजे तक। 12 बजे तक है। सो दोस्तों रात को 12 बजे तक चलते हैं। बोलो राम साहब पीर की जय हो। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी जय रामसा पीर की।